मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीसे मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अल्लाह ताला की खुशनूदी हासिल करने के लिए जो कुछ खर्च करोगे उसका सवाब ज़रूर दिया जाएगा, यहाँ तक के जो लुक्मा तुम अपने जौजा के मुंह में रखो उसका भी सवाब मिलेगा। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं फ़तह मक्का के साल बीमार हुआ, यहाँ तक के मौत के करीब हो गया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी इयादत के लिए तशरीफ़ लाए। मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मेरे पास बहुत सा माल है और मेरा वारिस एक बेटी के अलावा कोई नहीं, तो क्या मैं अपना दो तिहाई माल सदक़ा कर दूं? आपने फरमाया, नहीं, सदक़ा मत करो। मैंने अर्ज़ किया, फिर आधा सदक़ा कर दूं? फरमाया, आधा भी मत करो। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर क्या तिहाई सदक़ा कर दूँ? आपने फरमाया, तिहाई कर सकते हो और तिहाई भी बहुत है, तुम अपने वारिसों को मालदार और लोगों से मुस्तगना छोड़ो, ये इससे बेहतर है कि तुम अपने वारिसों को मोहताज छोड़ो कि वो लोगों के सामने हाथ फैलाते फिरें। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। रेड्डी समाज की फलाह के लिए काम करने वाले सीएम केसीआर कामारेड्डी में राजा बहादुर वेंकट राम रेड्डी ट्रस्ट की जानिब से मुनाकिदा रेड्डी हॉस्टल व स्कूल का संगे बुनियाद तकरीब से रियासती असम्बली स्पीकर कोशीराम श्रीनिवास रेड्डी और रियासती वजीर निर्मला प्रशांत रेड्डी का खिताब। तेलंगाना यौम तासीस तकरीब का जोश खरोश के साथ एहतमाम किया जाए। आलमुर में पीयूसी कमेटी चेयरमैन वो आलमुर एमएलए जीवन रेड्डी, इन्होंने आलमुर के अवामी नुमाइंदों व अहदेदारों को दी हिदायत। जिले बीजेपी सदर बसवलक्ष्मी नरसैया की घरवालानी तकरीब में बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय व मुतहदा जिले मिलिट्री के कविता की मुलाकात। मुतहदा जिले मिलसी के कविता को अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने बीआरएस खाद व साबिका जिले सदर वक्फ बोर्ड मोहम्मद फैजुद्दीन के घर पहुंचते हुए दिया पुरस्कार। तंबाकू को तर्क कर अच्छी गजा का इस्तेमाल करें, लायंस क्लब की जानिब से मुनाकिदा तकरीब से जिले जा सुनीता कुंचाला का खिताब। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। बीआरएस से खानदान हर कारकुन के खुशी व गम में हम शामिल। मुतहदा जिले मिलसी के कविता ने हरकियाती सीनियर बीआरएस खायद मोहम्मद फयाजुद्दीन के मकान पहुंचते हुए इनके वालिदा के साना अर्तहाल पर दिया पुरसा। शाहनिजामाबाद के हर दिल अजीज व हरकियाती सीनियर बीआरएस खायद व साबिका वक्फ बोर्ड जिले सदर मोहम्मद फयाजुद्दीन, जो हर वक्त सियासी फलाही कामों में मसरूफ रहते हैं और रवा साल माह रमजान मुबारक में इनकी वालिदा माजिदा का अचानक इंतकाल पर मलाल हुआ, जिसके तला पर मुतहदा जिले एमएलसी व दुख्तर चीफ मिनिस्टर मोहतरमा के कविता इनके हमराह अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने शहर के मुस्तैदपुरा कॉलोनी में वाकई इनके मकान पर पहुंचते हुए पुरसा देते हुए अफसोस का इजहार किया और हर वक्त इनके हमराह रहने का तयखुन दिया और कहा कि बीआरएस एक खानदान की तरह है और हर खुशी व गम में इनके साथ शामिल है। इस मौके पर साबिका रेडको चेयरमैन नरसे अली, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, बीआरएस सीनियर कॉर्पोरेटर अमीर खुदूस, बीआरएस कॉर्पोरेटर बबलू खान, बीआरएस अखलती सर सदर इमरान शहजाद, सुमेर अहमद मोहम्मद, अमीर फारूक, अकबर खान, जागृति यूथ लीडर रेहान अहमद व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना रियासत के ख़याम के 10 साल तकारीब को जाम मनसूबा मंदी के तहत कामयाबी के साथ इन्हें खातमल मिलाने का जिले बीआरएस सदर आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी ने किया इजहार। आर्मूर अपने असम्बली पीएलसी कमेटी चेयरमैन व जिले बीआरएस सदर जीवन रेड्डी ने आर्मूर शहर के मंडल परिषद दफ्तर में हल्के के अहदेदारान व अवामी नुमाइंदों के साथ रियासत तेलंगाना की दहाई तकारीब के इंतजाम के ताल्लुक से इजलास का इन्हें खातमल मिलाया। इस मौके पर
योम तासीस तकारीब को शानदार पैमाने पर इनेखात मल मिलाने के लिए अहदेदारान व अवामी नुमाइंदों को हिदायत जारी की। इस प्रोग्राम में जेड पी सी ई ओ गोविंद आर्मुल हल्के में वाक़ माकलू नंदीपेट आर्मुल मंडल व दीगर महकमे जवाब से ताल्लुक रखने वाले अहदेदारान के अलावा एम पी पी नरसैया जेड पी टी सी संतोष व दीगर ने शिरकत की। राष्ट्र मुख्यमंत्री गौरव मुख्यमंत्री केसीआर गच्छी तरह केसीआर की परपाल मुझे केसीआर परपाल तरह ना अभिवृद्धि चीजें तेलंगा वस्ते दींट सतोष प्रति गंटो आनंद कार्यक्रम प्रजाक यावत जाति प्रदेश विधा पंडगला दशाब्दी उत्सव भैंसे में 15 रोज़ा मुफ्त कोचिंग के बाद तमसीली डी सेट इम्तहान का इनेखात अख्तितामी तकरीब से मुफ्ती अब्दुल गनी व दीगर जिम्मेदारान का तलबा से खिताब। सेंटर फॉर एजुकेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट निज़ाम कॉलेज सेंटर फॉर एजुकेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट निज़ाम कॉलेज हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम डी सेट उर्दू मीडियम की 15 रोज़ा मुफ्त कोचिंग का अहतमाम ज़िले परिषद गर्ल्स हाई स्कूल भैंसा में किया गया था, जिसकी अख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी मुफ्ती अब्दुल गनी कासमी सदर जमीतुल माल ज़िले निर्मल ने शिरकत करते हुए तुलबा से खिताब में कहा, इल्म दीन इस्लाम का एक अहम हिस्सा है और ऐसा इल्म जिससे मिल्लत को नफ़ा मिलता है वही असल नापे इल्म भी है और खिदमत भी है। इन्होंने तुलबा को मशवरा देते हुए कहा कि शरीयत के हदूद में तालीम को हासिल करते हुए कौम व मिल्लत के लिए अपने आप को वक्फ करें और इल्म व तहक़ीक़ का मरकज़ बनाए, वरना बिना तहकीक का इल्म हुसूल गुमराही का बाइस बन सकता है। कबल अज़ में मोहम्मद मिनहाजुल हक ने अपने खिताब में कहा कि CEDM की तरफ से 15 रोज़ा मुफ्त कोचिंग का नज़्म किया गया था, जिसमें तुलबा ने औकात और नज़्म की पाबंदी की बातजात तमसीली टेस्ट में शरीक होकर इम्तहान लिखते हुए इत्मीनान हासिल किया और पुरअज़म होने का मुजाहरा किया और कहा कि CEDM का नाम रोशन करने का भी अज़्म किया। इस प्रोग्राम में इनाम अव्वल इंटरमीडिएट उर्दू मीडियम गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज भैंसा की तालिबा जवेरिया फिरदौस निभा, जिन्होंने हालिया नतज में 1000 में से 990 निशानात हासिल किए हैं, इन्हें तहनीत पेश की गई और मोहम्मद मोहसिन मौलिम व अब्दुल वदूद खटपट भैंसवी नामोल शायर को भी तहनीत से सरफराज किया गया। ख्वातीन रेसलर्स पर ताकत का वहशियाना इस्तेमाल इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जी होने का मुतहदा ज़िले निज़ामाबाद MLC के कविता ने किया इजहार। मुतहदा ज़िले निज़ामाबाद MLC के कविता ने कहा कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से ख्वातीन पहलवानों की जानिब से मुख्तलिफ शक्लों में एहतजाजी धरने का इनेखात अमल में लाया जा रहा है, लेकिन मरकजी हुकूमत की तरफ से तवज्जो ना देने पर सख्त मज़म्मत की और कहा कि मरकजी हुकूमत फौरी तौर पर ख्वातीन रेसलर्स पर होने वाले जिनसी हरासानी के मामले को हल करने का मुतालबा किया। इन्होंने बताया कि सख्त मेहनत अज़्म और हुब्बुल वतनी के साथ ख्वातीन पहलवानों ने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है, लिहाजा मरकजी हुकूमत ख्वातीन रेसलर्स से मुतालिका मसाइल को हल करना नहायत ही ज़रूरी है। रुकने समलीत जी विठल रेड्डी की क़ियादत में बासर मंडल के नौजवानों की BRS में शमूलियत। MLA जी विठल रेड्डी की मौजूदगी में बेदली गांव के नौजवानों ने वज़ीर-ए-आला KCR की क़ियादत से मुतासर होकर BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। नौजवानों ने कहा कि इस तरह की फलाह स्कीमात जो मुल्क के किसी दूसरी रियासत में कहीं भी दस्तियाब नहीं है, जो हमारी रियासत तेलंगाना में नाफिज़ुल अमल की जा रही हैं और हमें महाराष्ट्र के लोगों से वाज़ेह फ़र्क नज़र आया है जो हमारे साथ है और हम सब इससे मुतासर होकर पार्टी में शमूलियत हासिल कर रहे हैं। इसी तरह से तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तदार पर आने के बाद CM KCR की कामयाब तरीन क़ियादत में कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही और तरक्याती स्कीमात के तहत बिला लिहाज मज़ो मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है, जिसकी पूरे हिंदुस्तान में नज़ीर नहीं मिलती। और इसके अलावा 2014 से पहले रियासत में वज़ायफ के नाम पर सिर्फ 200 रुपये दिए जाते थे, लेकिन अलहदा तेलंगाना की तश्किल के बाद KCR हुकूमत ने आसरा पेंशन स्कीम में भारी इजाफा किया और हुकूमत ने ओल्ड एज मोमिन बेवाओं को हर माह 2016 रुपये माहाना वजीफा जारी करते हुए जिस्मानी माजूरीन को हर माहाना 3016 रुपये माहाना वजीफा दिया जा रहा है। CM KCR की क़ियादत में सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम के लिए बेमिसाल तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं, जिसके दीगर रियासतों में मुखिम अवाम TRS हुकूमत की फलाह स्कीमात को अपनी रियासतों में रूबे अमल में लाने की ख्वाहिश कर रहे हैं और मुल्क भर के अवाम चीफ मिनिस्टर KCR को मुल्क की क़ियादत करने की तौक़े कर रहे हैं।
सीएम केसीआर के क्यादत में तेलंगाना की तमाम स्कीमात एक रोल मॉडल की तरह है। चीफ मिनिस्टर केसीआर गरीब व मुस्तहक लड़कियों की शादी को बाविकार अंदाज से अंजाम देने के लिए कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के तहत फी लड़की को 1,116 रुपये दे रहे हैं। वज़ीर आला केसीआर जो एक सेकुलर जहन की हामिल शख्सियत है जिन्हें हवाती दोस्त का शर्फ हासिल है तो कहीं मुफलिस गरीब भी और मददगारों के मसीहा के तौर पर माने जाते हैं जिन्होंने अखलतों को रोज़गार से मरबूत करने के लिए मुख्तलिफ स्कीमात ना सिर्फ रोब अमल में ला रहे हैं बल्कि तेज़ी के साथ स्कीमात पर अमल करने के लिए अहदेदारान को मुतहरिक कर रहे हैं। इसी तरह से गरीब अवाम केसीआर हुकूमत की जानिब से रोब अमल में लाए जाने वाले फलाई व तरक्याती स्कीमात के अलावा जारी तरक्याती कामों से मुतासर होकर आज बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने का इजहार किया। रुकन असेंबली जी विट्ठल रेड्डी ने नौजवानों का पार्टी में इस्तेमाल करते हुए कहा कि पार्टी में अवामी फलाह बहबूद के लिए काम करते हुए हमेशा सरगर्म रहने का मशवरा दिया। बासर मंडल नीचे बिद्रली ग्राम युवक ग्राम पेद युवक केसीआर गारी अभिवृद्धि पनल जो वाट आकर्षं बीआरएस पार्टी रावट जरूरी వారికి మనస్ఫూర్వకంగా నేను పార్టీ తరఫున నిర్మల్ జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షుడిగా పార్టీలోకి ఆహ్వానిస్తున్నాను. నిజామాబాద్ మహారాష్ట్ర నిజామాబాద్ పక్కకే ఈ గ్రామం ఉంటుంది. మరి ఈ గ్రామంలో ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. పెద్దలు గౌరవనీయులు మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ఆధ్వర్యంలో दोहा खतर में रूरल मंडल के बाशिंदों ने ZPTC ओलंपिक नायब सदर बाजरीडी जगन की जन्मदिन तकरीब को केक कट करते हुए शानदार पैमाने पर इन्हें खास तमल मिलाया। रूरल मंडल ZPTC ओलंपिक नायब सदर बाजरीडी जगन की जन्मदिन तकरीब के मौके पर दोहा खतर में मुप्पाल देहात से ताल्लुक रखने वाले नराई कैंपसों के जेर निगरानी में बाजरीडी जगन की सालगिरह तकरीब शानदार पैमाने पर इन्हें खास तमल मिलाया गया। इस मौके पर NRI कैंप अशोक ने खिताब करते हुए कहा कि इस साल की तरह इस साल भी अवाम के चहेते खैर दरपली ZPTC मेंबर बाजरीडी जगन मोहन की यौम पैदाइश तकरीब के मौके पर केक कट करते हुए शानदार पैमाने पर मनाए जाने का इजहार करते हुए इन्होंने बाजरीडी जगन को मुस्तकबिल में मजीद आला ओहदे हासिल करते हुए ताहियात अवाम की खिदमत करने का इजहार किया। भीमगल मंडल के मुकाम पर रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने सीएम रिलीफ फंड स्कीम के तहत मंजूर करदा 2,00,000 का LOC पिपरी देहात से ताल्लुक रखने वाले मुस्तहक को किया हवाले। भीमगल मंडल के मुकाम पर वाकई पिपरी देहात से ताल्लुक रखने वाले एन लक्ष्मी शोहर का नाम मुतना इनके अहलिया को 2 वार्ड ब्लॉक की सर्जरी की जरूरत होने पर निम्स हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए LOC की मंजूरी अमल में लाने के ताल्लुक से रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के इल्म में लाए जाने के बाद सीएम केसीआर की जानिब से मुतारफ करदा सीएम रिलीफ फंड स्कीम के तहत मंजूर करदा 2,00,000 रुपये का LOC रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के हाथों मुस्तहिक अफराद को हवाले किया गया। इस मौके पर मुस्तहिक अफराद खानदान ने कहा कि इनकी अहलिया के 2 वार्ड ब्लॉक होने की वजह से निम्स हॉस्पिटल में सर्जरी करवाने के ताल्लुक से रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के इल्म में लाए जाने के फौरी बाद रियासती वज़ीर ने फौरी तौर पर मजबूत रद्दअमल का इजहार करते हुए सतह गुरबत से ताल्लुक रखने वाले गरीब अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर इलाज मुआवजा फराहम करने के मकसद के तहत मुतारफ करदा सीएम रिलीफ फंड स्कीम के तहत रकम मंजूर करवाने पर दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। दिल्ली के जंतर मंतर के पास खवातीन पहलवानों पर होने वाली लाठी चार्ज की सख्त मजम्मत करते हुए बोधन POW के जेर निगरानी में मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला किया गया नजर आतिश। मुल्क का सदर मुकाम दिल्ली में वाकई जंतर मंतर के पास खवातीन पहलवानों की जानिब से इनेकाद अमल में लाए जाने वाले एहतजाजी धरना प्रोग्राम पर पुलिस मुलाजमीन की तरफ से किए गए हमले की सख्त मजम्मत करते हुए आज बोधन शहर के हेड पोस्ट ऑफिस के पास प्रगतिशिला महिला संगम POW के जेर निगरानी में मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। इस मौके पर POW सिटी सदर बी नागामणि ने कहा कि हिंदुस्तान को ओलंपिक्स और एशियन गेम्स में कई गोल्ड मेडल दिलाने वाले खवातीन पहलवानों के साथ होने वाली नाइंसाफी हिंदुस्तान की तमाम खवातीन की तोहिन होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में POW जिले कायदीन बी पाशा बेगम पार्वती पोसानी गंगामणि लक्ष्मी निजामाबाद रुकन असेंबली बीगाला गणेश गुप्ता व MLC कलवकुंटला कविता के हमरा लहारी इंटरनेशनल होटल में हरिदा राइटर एसोसिएशन के 5वें महासभा में की शिरकत। निजामाबाद तरबन MLA बीगाला गणेश गुप्ता MLC के कविता के हमरा लहारी इंटरनेशनल होटल में हरिदा राइटर एसोसिएशन के 5वें महासभा में शिरकत की। इस मौके पर अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि अल्फाज के जरिए अवाम को अपना गर्विदा बना लेना शायरी के जरिए
खुश करना, गीतों के जरिए दिल बहलाई व अवाम को बेदार करने के मकसद के तहत आगे बढ़ने वाले हरीदा मनसिब पांचवें महासभा के इनेकात मनाने के मौके पर तमाम अदीब को मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में ZP चेयरमैन विठल राव, TSWDCC चेयरमैन आकुला ललिता, महिला कमीशन मेंबर सिद्धम लक्ष्मी, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, DCMS चेयरमैन सांबाली मोहन दरपली, ZPTC बाजरेडी जगन, फिल्मी अदाकार व मुंसिफ रचा रवि, हरिदा जिले सदर घनपुरम राघवेंद्र ने शिरकत की। యావత్తు తెలంగాణ రచయిత సంఘానికి రాష్ట్ర అధ్యక్షులుగా ఉన్నారు, వారి కార్యక్రమానికి వచ్చి దీవించడం అన్నది చాలా అద్భుతమన్న, మీతో వేదిక పంచుకునే అదృష్టం నాకు రావడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. అదేవిధంగా స్థానిక శాసనసభ్యులు గౌరవనీయులు మా బిగాల గణేష్ గుప్తా అన్న గారికి, అదేవిధంగా రచ్చ రవి గారు సోదరులు సినిమా యాక్టర్ గారు ప్రముఖ సినీ నటులు, అట్లానే ఈరోజు సరస్వతి రాజ్ అనేటటువంటి సార్థక బిందున నచ్చాము. ఎందుకంటే సరస్వతి పుత్రులు చాలామంది ఉంటారు, వారిని ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళు, వారికి ఒక వేదిక కల్పించేటి వాళ్ళు, అదేవిధంగా ఆధ్యాత్మికతోని ఆధ్యాత్మికతను నేర్పించి కొత్త తరానికి మరి పెద్ద ఎత్తున సామరస్యాన్ని సమాజంలో ప్రచారం చేయాలనేటటువంటి ఒక ఫర్మ్ బిలీఫ్ తో ఖాన్ కి తక్రీబ్ మే తెలంగాణ కే దో కట్టర్ సియాసీ హరీఫో కి ములాఖాత్. सियासत में कोई मुस्तकल दोस्त और दुश्मन नहीं होने का मुहावरा इस वक्त सच साबित हुआ जब तेलंगाना BJP के सदर बंडी संजय ने TRS रुकन कौंसिल कविता के साथ खानगी तकरीब में गर्म जोशी के साथ मुलाकात की और इन्हें एहतराम के साथ नमस्ते किया। बताया जाता है कि तेलंगाना के निजामाबाद में BJP के जिले सदर बसवा लक्ष्मी नरसैया के नए मकान की आज घर बरानी तकरीब थी, जिसमें बंडी संजय और रुकन कौंसिल कविता भी मौजूद थे। तकरीब में MLC कविता और करीमनगर के MP बंडी संजय एक दूसरे के आमने सामने हो गए। इस तकरीब में रियासत के दो कट्टर हरीफों की मुलाकात को सियासी हलकों में काफ़ी तजस्सुस से देखा जा रहा है। इस मौके पर बंडी संजय ने अपने दोनों हाथ जोड़कर कविता को नमस्ते किया और कविता ने भी मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर बंडी संजय के नमस्ते का जवाब दिया। इस मौके पर दोनों जमातों के कारकुनों ने मसरत का इजहार किया। जिले कामरेड्डी के मुकाम पर वाक़ राजा बहादुर वेंकट राम रेड्डी विद्या परिषद ट्रस्ट के ज़ेर निगरानी में रियासती हॉस्टल तालीमी इदारे के अलावा वेलफेयर भवन से मुतालिक अराजी पर असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी व रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने रखा संग बुनियाद। जिले कामरेड्डी के मुकाम पर वाक़ राजा बहादुर वेंकट राम रेड्डी विद्या परिषद ट्रस्ट के ज़ेर निगरानी में दीगर तुलबा के लिए रेड्डी हॉस्टल तालीमी इदारा वेलफेयर भवन की तामीर से मुतालिक अराजी पर संग बुनियाद रखने वाले प्रोग्राम में रियासती असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी, रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, कामरेड्डी MLA गवर्नमेंट वेब गंपा गोवर्धन, ज़हीराबाद MP BB पाटिल के अलावा जिले के कायदीन रेड्डी तबके से वाबस्ता कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि राजा बहादुर वेंकट राम रेड्डी ट्रस्ट को हैदराबाद में 150 करोड़ रुपए माली रकम पर मबनी 15 एकड़ अराजी दी है और तामिर के लिए 10 करोड़ रुपए फंड्स की मंजूरी अमल में लाई गई। इन्होंने कहा कि M चिन्ना रेड्डी, के ब्रह्मानंदम रेड्डी, राजशेखर रेड्डी, किरण कुमार रेड्डी जैसे मुतहदा रियासत के रेड्डी वजीर आला भी रेड्डी समाज के लिए कोई भी खिदमत अंजाम न देने का इजहार किया, लेकिन CM KCR ने रेड्डी के फलाह बहबूद के लिए कई मुनफरद स्कीम को रूबे अमल में लाने का इजहार किया। रियासत तेलंगाना व बालकोंडा हलके में जारी तरक्याती कामों से मुतासर होकर कमरपली मंडल से ताल्लुक रखने वाले BJP, BSP व कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदी ने रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की मौजूदगी में BRS पार्टी में की शमूलियत हासिल। CM KCR की क्यादत में जारी तरक्याती फलाह स्कीम के अलावा खासकर किसानों की तरक्की के लिए रूबे अमल में लाए जाने वाले स्कीम से मुतासर होकर हलके में जारी तरक्याती कामों में रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी के साथ देने का फैसला करते हुए आज कमरपली मंडल से ताल्लुक रखने वाले BJP, BSP, कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन के अलावा किसान कायदीन ने हैदराबाद में मौजूद रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की मौजूदगी में BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को पार्टी का गुलाबी खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल किया। इस मौके पर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि KCR हुकूमत के दौर इक्तदार में तमाम तबकात से ताल्लुक रखने वाले अवाम की तरक्की वो इनकी जिंदगियों में खुशहाली लाने के लिए रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाह स्कीम से मुतासर होकर आज कमरपली मंडल से वाबस्ता BJP, BSP, कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कायदीन पी गंगा रेड्डी, M लक्ष्मण गौड़, संगी रेड्डी, मोतियम रेड्डी, संगी रेड्डी, गंगा रेड्डी, K
के गंगारेड्डी, गोविंद गंगाधर के अलावा के किशन के अलावा दीगर ने बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बीआरएस पार्टी खादिन पार्टी प्रेसिडेंट आर देविंदर, कमरपल्ली सरपंच जी स्वामी अहमद, एल्स गंगाधर, बी चिन्ना रेड्डी, बी राजेश्वर, हे श्रीनिवास, सुमन संता राजेश्वर व दीगर मौजूद थे। रोटरी क्लब ऑफ निजामाबाद इंडियन साइकेट्रिक एसोसिएशन तेलंगाना स्टेट ब्रांच के जेर निगरानी में यौम सिद्धात तंबाकू से मुतालिका पंपलेट का जिले जज सुनीता कुंचाला ने नकाब कुशाई अमल मिलाई। आज आलमी यौम सिद्धात तंबाकू के मौके पर रोटरी क्लब ऑफ निजामाबाद इंडियन साइकेट्रिक एसोसिएशन तेलंगाना राष्ट्र ब्रांच के जेर निगरानी में इससे मुतालिका पंपलेट का जिले जज सुनीता कुंचाला के हाथों नकाब कुशाई अमल में लाने का क्लब सदर सतीश शाह ने इजहार किया और बताया कि हर एक फर्द तंबाकू पर पाबंदी लगाए और अच्छी मुतवाजन गज़ा का इस्तेमाल करते हुए खुशगवार ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिश की। बातजा जिले जज सुनीता कुंचाला ने कहा कि आज वाला में यौम इंसदाद तंबाकू के पेश नज़र अच्छे प्रोग्राम के जरिए अवाम को शोर बेदारी अमल में लाने के मकसद के तहत रोटरी क्लब ऑफ निज़ामाबाद के ज़ेर निगरानी में पंपलेट की रस्म इजराई अमल में लाना मुआशरे के लिए एक अच्छा पैगाम होने का इजहार किया। जिले बीआरएस सदर आर्मर एमएलए जीवन रेड्डी ने करीबी रिश्तेदार पिपरी भूजा रेड्डी के फर्जन की शादी तकरीब में शिरकत करते हुए नए जोड़े को दी मुबारकबाद। आर्मर रुकन असेंबली पीसी कमेटी चेयरमैन जिले बीआरएस सदर जीवन रेड्डी ने इनके अपने करीबी रिश्तेदार पिपरी भूजा रेड्डी के फर्जन की शादी तकरीब में शिरकत करते हुए नए शादीशुदा जोड़े को दिल की गहराइयों से पुरखलुस मुबारकबाद पेश की। इसी तरह से पेरिकेट के वेंकटेश्वरा गार्डन में मुनाकदा सुबिरियाल के दुख्तर की शादी तकरीब में शिरकत करते हुए नए जोड़े को मुबारकबाद पेश की। अंकापुर में पद्दू तोरी सदानंदा रेड्डी के जेर निगरानी में जदीद ओल्डेज होम का एमएलए जीवन रेड्डी के हाथों इफ्तिताह अमल में लाने वाले प्रोग्राम में जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने की शिरकत। अंकापुर देहात में पी सदानंद रेड्डी ट्रस्ट के जेर निगरानी में तामिर किए गए जदीद ओल्डेज होम का जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु के हमराह जिले बीआरएस सदर आर्मर एमएलए जीवन रेड्डी ने इफ्तिताह अमल में लाए। इससे कबल जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु अंकापुर देहात में वाकई रिहायशगाह में आमद के मौके पर एमएलए जीवन रेड्डी की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। इस प्रोग्राम में बीआरएस पार्टी के कायदीन कारकुनान व अवामी नुमाइंदे व दीगर महकमे जात से ताल्लुक रखने वाले अहदेदारान मौजूद थे। आर्मर एमएलए कैंप दफ्तर में हर रोज मुफ्त ताम का प्रोग्राम एमएलए जीवन रेड्डी की जानिब से कामयाबी के साथ जारी। आर्मर एमएलए कैंप दफ्तर पर एमएलए जीवन रेड्डी की जेर निगरानी में हर रोज मुफ्त ताम प्रोग्राम कामयाबी के साथ जारी है, जिसके तहत हर रोज दोपहर के औकातकार 1 बजे से 2 बजे तक अवाम को ताम का अहतमाम अमल में लाया जाएगा। आर्मर शहर के कैंप दफ्तर पर हर रोज जारी ताम प्रोग्राम का पीयूसी कमेटी चेयरमैन आर्मर एमएलए जीवन रेड्डी ने लिया जायजा। आर्मर रुकन असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन व जिले बीआरएस सदर जीवन रेड्डी ने शहर के कैंप दफ्तर पर हर रोज जारी ताम प्रोग्राम का जायजा लेते हुए अवाम से मुलाकात करते हुए तफसीलात हासिल करने के मौके पर अवाम की जानिब से जिले बीआरएस सदर आर्मर एमएलए जीवन रेड्डी को इजहार तशक्कुर पेश किया गया। इस प्रोग्राम में एमएलए जीवन रेड्डी के साथ बीआरएस पार्टी के कायदीन अवामी नुमाइंदे कारकुनान के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक रखने वाले अहदेदारान मौजूद थे। आर्मर शहर के रोटरी क्लब ऑफ आर्मर व रोटरी क्लब ऑफ लेक डिस्ट्रिक्ट मोइनाबाद के जेर निगरानी में मुश्तरीका तौर पर इनेखात अमल में लाए गए प्रोजेक्ट के तहत रोटरी के साबिका डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पेरिकेट के साबिका सरपंच छंदुमंत रेड्डी ने ताजिन को ठेला बंडी की फ्राहमी अमल में लाई। आर्मर शहर में रोटरी क्लब ऑफ आर्मर रोटरी क्लब ऑफ लेक डिस्ट्रिक्ट मोइनाबाद के जेर निगरानी में मुश्तरीका तौर पर इनेखात अमल में लाए जाने वाले प्रोजेक्ट के तहत रोटरी के साबिका डिस्ट्रिक्ट गवर्नर पेरिकेट के साबिका सरपंच हनुमंत रेड्डी की जानिब से ताजिन को ठेला बंडी की फ्राहमी अमल में लाएगी। इस मौके पर हनुमंत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि रोटरी के जेर निगरानी में इनके अपने वालिद वेंकटा रेड्डी की यादगार के तहत छोटे ताजिन को 10 ठेला बंडी की फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में प्रोजेक्ट चेयरमैन खजानची तुलसी, मेमरान चरण रेड्डी, सुरेश कुमार व दीगर ने शिरकत की। చాలా సేవా కార్యక్రమాలు చేశారు. బోర్లే మా శ్మశాన వాటికలో బోర్లేయించారు, అలాగే మా హనుమాన్ టెంపుల్ లో బోర్లేయించారు. వారు ప్రతి ముందుండేవారు. మా పెరిగిట్ గ్రామంలో చాలా సేవా కార్యక్రమాలు. ఇఖ్తితామ్ సే హమ్ నజర్ డాల్తే ఆజ్ కే సుర్ఖియో పర్. रेड्डी समाज की फलाह के लिए काम करने वाले सीएम केसीआर कामारेड्डी में राजा बहादुर वेंकट राम रेड्डी ट्रस्ट की जानिब से मुनाकदा रेड्डी हॉस्टल व स्कूल का संगे बुनियाद तकरीब से रियासती असम्बली स्पीकर पोशुराम श्रीनिवास रेड्डी व रियासती वजीर निर्मला प्रशांत रेड्डी का खिताब। तेलंगाना यौम तासीस तकरीब का जोश खरोश के साथ एहतमाम किया जाए। आर्मर में पीयूसी कमेटी चेयरमैन व आर्मर एमएलए जीवन रेड्डी, इन्होंने आर्मर के अवामी नुमाइंदों व अहदेदारों को दी हिदायत।
जिले बीजेपी सदर बसवलक्ष्मी नरसैया की घरवालानी तकरीब में बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय मुतहदा जिले मिल्ट्री के कविता की मुलाकात। मुतहदा जिले मिल्ट्री के कविता को अर्बन रुकन असेंबली बीगाला गणेश गुप्ता ने बीआरएस खाद व साबिका जिले सदर वक्फ बोर्ड मोहम्मद फैजुद्दीन के घर पहुंचते हुए दिया पुरस्कार। तंबाकू को तर्क कर अच्छी गजा का इस्तेमाल करें, लायंस क्लब की जानिब से मुनाकिदा तकरीब से जिले जा सुनीता कुंचाला का खिताब। आज के लिए फिलहाल इतना ही, इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।